हम लेआउट ऑर्गेनाइजर के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। लेआउट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स सच एज बटन्स, टेक्स्ट ग्रिड्स एंड सिलेक्शन लिस्ट। लेआउट ऑर्गेनाइजर डिटरमाइंस साइज एंड पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ कंटेनर। मतलब अगर आपके पास कंपोनेंट है और आप उसे कंटेनर में ऐड करना चाहते हैं, कंपोनेंट फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट ग्रिड है, बटन है, तो आप चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट फील्ड के बाद में बटन आए, या फिर आप चाहते हैं आपको टेक्स्ट फील्ड है जो कंपोनेंट वो बटन से ऊपर आए, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ये लेआउट कहलाता है, और जो इस अरेंजमेंट को अरेंज करता है वो लेआउट ऑर्गेनाइजर कहलाता है। इन जावा में जो जावा डॉट ए डब्ल्यू डी पैकेज है उसके अंदर सारे मेथड्स एंड क्लासेस लेआउट ऑर्गेनाइजर डिफाइन होती है, और किसी भी लेआउट ऑर्गेनाइजर को सेट करने के लिए हम सेट लेआउट फंक्शन मेथड काम में लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेआउट ऑर्गेनाइजर। पहला है फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट बाय डिफॉल्ट आपका लेआउट ऑर्गेनाइजर होता है। अगर आप सेट को लेआउट ऑर्गेनाइजर सेट ही नहीं करते हैं तो भी आपका बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट ही ऑर्गेनाइजर रहेगा। इट प्लेसेस कंट्रोल्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे आर एडेड। जैसे जैसे कंपोनेंट्स आप कंटेनर में ऐड करेंगे वो उन्हें उनके ऑर्डर में ही वन बाय वन ऐड करेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस स्मॉल मॉड्यूल प्रोग्राम, इसमें हमने पहले फ्रेम की विंडो है उसको सेट लेआउट मेथड काम में लेते हुए हमने लेआउट ऑर्गेनाइजर सेट कर दिया फ्लो लेआउट। उसके बाद में ऐड मेथड काम में लेते हुए हमने बटन्स को ऐड किया, तो ये अपना कंटेनर है या कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो वन बाय वन जैसे जैसे आपके कंपोनेंट्स अराइव होंगे वो उनको ऐड करता जाएगा। नेक्स्ट आपका लेआउट ऑर्गेनाइजर है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट ऑर्गेनाइजर का जो रीजन है वो विंडो का रीजन है उसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर। इन पांच पार्ट्स में ये विंडो को डिवाइड कर देता है। हर पार्ट में हर रीजन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐड होगा। यहाँ पे देखिए पहले इसने सेट किया हुआ मेथड काम में लेते हुए लेआउट ऑर्गेनाइजर सेट कर दिया बॉर्डर लेआउट, और उसके बाद में ऐड मेथड काम में लेते हुए इसने बटन ऐड किए हैं। पहला है बटन B1 को ये ऐड कर रहा है साउथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा B1। बटन B2 को नॉर्थ में, तो यहाँ पे आ जाएगा B2। इसी तरीके से आगे कंपोनेंट्स ये ऐड करता है। नेक्स्ट है कार्ड लेआउट। कार्ड लेआउट में जो कंपोनेंट्स हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं लाइक ए स्टैक ऑफ कार्ड्स। इट अरेंजेस कंपोनेंट एज कार्ड, ओनली वन कार्ड इज विजिबल एंड कंटेनर एक्ट्स एज ए स्टैक ऑफ कार्ड्स। इसमें होता क्या है कि एक कंपोनेंट है ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कार्ड वन, कार्ड टू एंड सो। तो इसमें एट ए टाइम आप सिर्फ एक कंपोनेंट को देख सकते हैं, अगर आपको दूसरा कंपोनेंट देखना है तो आपको इवेंट हैंडलिंग काम में लेनी पड़ेगी। किसी भी कार्ड में आपने बटन ऐड कर दिया, बटन पे जब आप क्लिक करते हैं इवेंट हैंडलिंग प्रोसेसिंग में आती है तो आप विजिबल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कार्ड टू को। तो इस हिसाब से कार्ड लेआउट एक के बाद एक कार्ड को अरेंज करके रखते हैं। ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स बाय प्लेसिंग देम इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि जो पूरी विंडो है उसको रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डिवाइड कर देता है, उसमें रोज होंगी कॉलम्स होंगी, और जैसे जैसे आप कंपोनेंट ऐड करेंगे तो उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू ऐड करता जाएगा एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देखिए छोटा सा मॉड्यूल है, इसमें सेट लेआउट से इसने लेआउट ऑर्गेनाइजर सेट कर दिया है, उसमें ये भी बताया है कि इसमें कितनी रो होंगी और कितनी कॉलम होंगी। हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है। ऐड बटन से काम में लेते हुए हमने इसके सारे बटन ऐड कर दिए, ऐड मेथड काम में लेते हुए, तो जैसे जैसे B1 आया तो पहली रो में, B2 आया तो रो वन कॉलम सेकेंड में, इसी तरीके से B3, B4, B6। इस तरीके से आज हमने देखा कि लेआउट ऑर्गेनाइजर क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं।